दोस्तों, यह है चैप्टर क्यूब्स एंड क्यूब रूट ऑफ 8th क्लास और यह है एक्सरसाइज 6.1। 6.1 का यह है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 मैं पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो इसका फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया है, अभी थर्ड ले रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन है 72, द नंबर इज 72। तो इसका मेथड है, सबसे पहले आप इसके प्राइम फैक्टर्स निकालिए, 72 का प्राइम फैक्टर्स। तो 72 में टू, वंस डिजिट इज 2, सो इट इज डिविजिबल बाय 2। 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1, 2 6 जा 12, देन 2 18 जा 36, अगेन बाय 2, देन 2 9 जा 18, देन 9 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, सो इट इज 3 3 जा 9, देन 3 1 जा। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 72। तो अभी फैक्टर्स लिखते हैं 72 का, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, फिर अरेंज देम इंटू ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स मीन्स द सेम थ्री नंबर्स टुगेदर। तो यह है, एक ट्रिपलेट 2 का है बट सेकंड ट्रिपलेट जो है 3 का, इट इज इनकम्प्लीट। यदि इसमें एक 3 और मल्टीप्लाई होता तो नंबर बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब। देन वी गॉट आर आंसर बिकॉज वी मल्टीप्लाई द गिवन नंबर बाय 3, then it becomes a perfect cube. So actually answer is 3, but we check whether the answer is correct or not to multiply the given number by 3. So 72 multiply by 3, so we got 3 2 just 6, 3 7 just 21, 216. Ab 216 ke factors likhte hain. 216 equal to, all the factors of 72 will be there and one more 3 will be. So 2 into 2 into 2 into 3 into 3 and one more 3. Then we arrange them into triplets. So we got 2 cube into 3 cube. So 2 into 3 multiply by and power will be 3. So we got 6 cube. We got the perfect cube number because 216 is a perfect cube number because we got 6 cube. So this way we can say that if we multiply the given number by 3, then it becomes a perfect cube. So the answer is 3. So aise hi aur video dekhne ke liye please stay connected with my channel. Iska next fourth question bhi main explain karunga. Thank you.